वेलकम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1। यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको इक्विलेट डिवीजन लेमा के मेथड से आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपको यहां पर दिया गया है यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, इससे आपको फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं रियल नंबर पर, उसका कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, उसके बाद मैंने ये आपको इक्विलेट्स डिवीजन लेमा की थ्योरम भी मैंने आपको पढ़ाई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट यहां से लेता हूं, 135 एंड 225। इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि आपको इक्विलेट डिवीजन में आप क्या करेंगे, डिवाइड से पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इसको हम मानेंगे डिविडेंड, इसको मानेंगे हम लोग डिवाइजर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसी को इक्विलेट्स डिवीजन लेमा में डिविडेंड को हम लोग ए मानते हैं, डिवाइजर को हम लोग बी मानते हैं, ये क्यू आपका वैसा ही रहता है, और आर क्यू या कोशेंट की बात मैंने यहां पर शॉर्ट में क्यू लिख दिया, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग यहां पर पहले सिंपली डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, ठीक, क्लास 6, 7, 8 में उसी तरह से हम इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं, वन टाइम जाएगा ना, जीरो, 12 में से आपका 3 जाएगा, 9 बचेगा, 135, 90 बन जाए 90, 45, और ये फिर से आपका इस तरफ आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हम लोग डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे। देखिए, जो इसका डिवाइजर होता है वो नेक्स्ट में आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आपका डिवाइजर होगा वो आपका नेक्स्ट टर्म में आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो आपका जीरो बचेगा तो उसका जो डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं करना आपको, आपको कैसे करना है, इक्विलेट डिविजन एल्गोरिथम से। तो ये आपका हो गया, अब यहां पर लिखेंगे ए आपका क्या है, डिविडेंड, ये 225 इक्वल टू बी आपका क्या है, 135। ठीक है, कोशेंट क्या आपका आया, देखेंगे कोशेंट क्या आपका यहां पर 1 है, प्लस आर, आर क्या आपका यहां पर 90 बचा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इसको देखेंगे इस वाले पूरे को, ठीक है, इसको मैंने इस तरफ से लिख दिया। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर आपका रिमाइंडर क्या आया, 90, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम लोग करते जाएंगे। यहां पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 90, मीन्स आपका अभी 0 नहीं आया है और करते जाना है आपको। अब आपका जो इसका डिवाइजर है वही आपका यहां पर डिविडेंड हो जाएगा। अब अभी तक मैंने इस वाले को देखा, अब हम इसको देखेंगे, इसको इतने इतने को, तो ये आपका रहेगा, ये आपका है डिवाइजर 90, आपका क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर क्या है आपका 45 आया। आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो सिंस रिमाइंडर 45। ठीक है, अगले स्टेप में जाएंगे, अब जो इसका डिवाइजर होगा वो उसका डिविडेंड हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू ये आपका डिवाइजर क्या है 45, क्वेश्चन क्या आपका 2 है, प्लस आर क्या आपका 0 है। बस जैसे ही आपका यहां आया तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर एक लाइन और लिख सकते हो, यूज इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब यहां पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड
225 is 45. इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 45 SCF of 135 and 225. ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो. तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हुआ. चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो मैं इसको हटाता हूं. अगला देखते हैं सेकंड. 196 ये आपका कम है किससे. ठीक है, यहां पर आपको पता ही होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये आपका रहता है डिविडेंड को ए बोलते हैं, डिवाइजर को बी बोलते हैं, और ये आपका क्यू रहता है प्लस आर. ठीक है, यहां पर लिखेंगे यूज या बाय इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड. ठीक है, तो इसको हम लोग यहां क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. 196 में करेंगे इसका 38220. चलिए देखते हैं, पहले इसको लेते हैं 196 में. अगर इसका टू टाइम्स करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 19 टू जा 38 और ये आपका 12 एक कैरी आ जाएगा 39, तो ये ज्यादा हो जाएगा. तो वन टाइम जाएगा ये 12 में 6 गया, 6 रहेगा आपका. 17 में से आपका 9 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 8 बचेगा. ठीक है, ये 1 का 1 रहेगा, इधर 0 मैंने यहां पर लिया. तो ये 9 9 जा 81 और ये लगभग 9 टाइम्स जाएगा. 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86 की कैरी आपका आएगा 8. 9 9 जा 81 5 86 कैरी 8, 9 9 1 जा 9 और 8 17. 12 में से 4 जाएगा आपका 8 बचेगा, 15 में 6 जाएगा आपका 9 बचेगा, 98 हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, यहां पर 0 लेंगे. अब जरा यहां पर देखिएगा 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स गया ये, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 9 जा 45 और 3 48 और 9, यहां तक ये हुआ. तो ये फर्स्ट स्टेप में ही आपका आ गया. तो यहां पर लिखेंगे 38220 is equal to 196 into 195 plus 0. Remainder यहाँ पे आपका 0 आ गया, तो यही आपका हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे SCF of 196 and 38220 is 196. ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये कुछ भी नहीं है, काफी इजी है. नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये आपका हो जाएगा. थर्ड देखते हैं इसके 867, ये आपका बड़ा है किससे, 225. देखिए कोई भी नंबर कहीं भी बड़ा हो सकता है, ये यहां पर, ये यहां पर, आपको क्या करना है, बस आपको सेट करना है इस तरह से, कौन सा बड़ा है उसी तरह से आपको साइन लगा लेना है. ठीक है, चलिए कुछ नहीं करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे सबसे पहले. देखेंगे ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स नहीं जाएगा आपका, ये 3 टाइम्स ही जाएगा. क्यों, 4 टाइम्स देखेंगे आप तो यहां से एक कैरी बन जाएगा, 4 टू जाएगा 8 और एक 9 बन जाएगा ना, वो आपका नहीं होगा. तो 3 टाइम्स जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 75. 3 टू जा 6
आपका टू बचेगा, इधर आपका नाइन बचेगा, इधर आपका वन बचेगा, ठीक, कोई बात नहीं। टू टू फाइव देखेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका वन टाइम जाएगा, आपका थ्री बचेगा, आपका फिर से क्या बचेगा, थ्री, फिर से आपका थ्री बचेगा। ये कहीं आई थिंक मिस्टेक हो रहा है शायद, एट सिक्स सेवन टू टू फाइव जी, आपका टू बचेगा, इधर नाइन, इधर आपका ठीक है 192 आपका हो गया थ्री, ये भी आपका हो जाएगा थ्री, ठीक। इसके बाद देखेंगे 192, तो ये आपका जाएगा कितने टाइम, फाइव, फाइव थ्री या फिफ्टीन, फाइव थ्री या फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, तो ये आपका बचेगा कितना, ये सेवन, और ये यहां पर आपका आएगा सेवन, एक सेकंड जरा रुकिएगा दोस्तों, ये आपका बचेगा टू। इसके बाद फिर से देखिए, थोड़ा मैं इस साइड में लेता हूं, ये आपका नीचे आ जाएगा 33, 27 या 27, आपका सिक्स बचेगा, ठीक है, सिक्स बचेगा। और इसके बाद देखेंगे 27 तो आ रहे हैं यहां पर, सिक्स फोर या 24, आपका थ्री बचेगा, फिर से सिक्स यहां आ जाएगा, थ्री टू या सिक्स, अब आपका रिमाइंडर क्या आया, जीरो। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, थ्री हो जाएगा। अब आपको स्टेम में इसको लिखना है, तो देखेंगे फर्स्ट स्टेम आपका क्या बनेगा, एट सिक्स सेवन इज इक्वल टू 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 फाइव इंटू थ्री प्लस रिमाइंडर क्या आपका 192, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड स्टेप पर, सेकंड स्टेप आपका रहेगा टू टू फाइव इक्वल टू आपका ये रहेगा, डिवाइडर क्या है 192 इंटू आपका कोसेंट क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है 33। सेकेंड स्टेप क्या जाएगा, थर्ड आपका डिविडेंड 192 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें आपका डिवाइडर है 33 इंटू कोसेंट आपका 5 है, रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर है 27, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए सिंस रिमाइंडर इज 192, ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। फोर्थ स्टेप में क्या जाएगा, यहां तक हो गया ना, तो ये आपका रहेगा डिविडेंड 33 डिवाइडर आपका क्या है 27 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 1 है, ठीक है, मैंने यहां तक लिख दिया, रिमाइंडर आपका सॉरी रिमाइंडर आपका 6 है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या जाएगा आपका, इसमें कोसेंट आपका क्या है, सॉरी डिविडेंड क्या है 27 इक्वल टू डिवाइडर 6 है, कोसेंट आपका 4 है, रिमाइंडर आपका 3 रहेगा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसमें आपका डिविडेंड 6 है, डिवाइडर आपका 3 है, कोसेंट आपका 2 है, अब रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0, तो जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लीजिए द एलसीएम ऑफ 867 एंड 225 इज 3। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, अगर मैंने यहां पर एनसीईआरटी में इसका आंसर देखा, जैसे हम लोग यहां पर आंसर चेक करेंगे, इसका आंसर दिया 51, अब 51 कैसे दिया है तो मेरे समझ में तो नहीं आ रहा कि 51 इसका आंसर कैसे दिया है, ओ सॉरी 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 मिस्टेक हुई है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर छोटी सी मिस्टेक से सब कुछ क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, उन्होंने यहां पर 255 लिया है, 255 लिया है, मैंने यहां पर 225 ले लिया था, वही मैं कहूं कि आंसर में क्यों आ रहा है अंतर, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ए टू जेड सब कुछ सही होता है। देखिए कोई बात नहीं, आपने दो क्वेश्चन को समझा, तीसरे क्वेश्चन को मैंने यहां पर 225 ले लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल में भी नंबर चेंज कर देते हैं, अगर आप 225 लेंगे तो आपका अलग बन जाएगा,
अब चलिए ये मिस्टेक हुई है तो इसको मैं ही सही करता हूं, तो 225 से मैं देखूंगा। तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया जो थोड़ा मुझसे अलग हो गया, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए एक आपका एग्जाम्पल ही है क्योंकि टेंथ में आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करने होते हैं, तो कोई बात नहीं हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा 255867, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, यहां पर 255 था, अभी मैंने गौर किया और यहां पर 225 है। इसको देखते हैं, वन टाइम आपका जाएगा, सॉरी ये आपका थ्री टाइम देखेंगे ना, 3 5 15 कैरी वन, ये रहेगा आपका 2 रहेगा आपका, यहां पे यहां पर 0 यहां पर 1, 2 2 2 5 5, ये वन टाइम जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, ये 2 5 5 ये 1 टाइम चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा ये ठीक है अब आपका ये रहेगा ठीक है तो ये आपका बन जाएगा। इसको भी मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको हटाता हूं मिस्टेक को, आप मान लीजिए वो आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, आप इस तरह से मान लीजिएगा, कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, माफी मांगता हूं मैं आपसे, ठीक है। ये था इसका डिविडेंड क्या हो जाएगा, 867 इज इक्वल टू बी आपका क्या है 255, क्वेश्चन क्या आपका 3 है और रिमाइंडर क्या है आपका 102, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आपका ये डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइजर आपका हो जाएगा 102 इंटू क्वेश्चन आपका है 2 प्लस रिमाइंडर क्या आपका 51, यहां पर आप लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 102, इसलिए हम और आगे करेंगे, ठीक है। ये आपका यहां जाएगा डिविडेंड, फिर से आपका इसमें डिवाइजर है 51, कोशेंट आपका 2 है, रिमाइंडर आपका 0 है, जैसे 0 आता है तो ये आपका SCF हो जाएगा, ठीक है। तो ये 51 आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट आने चाहिए। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में क्या करेंगे शायद भीड़ चेंज कर देते हैं, तो बच्चे समझते सर कुछ क्वेश्चन अलग आ गया, क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं आया, कंसेप्ट आपका वही था, बस डिजिट का खेल था यहाँ पर, तो डिजिट यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती से चेंज हो गया, कोई बात नहीं, उसको ही मैंने सॉल्व कर दिया और इस वाले को सॉल्व कर दिया, इससे आपके 3 क्वेश्चन हो गए, आपके 4 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट।